हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और क्या है ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव, क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई है, आज की क्लास में हम ये सभी बातों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि के उपलक्ष में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जन्म तिथि के उपलक्ष में मनाया जाता है, तो आज की क्लास की शुरुआत भी हम करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कोट के साथ में। और इनका एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्तियां आपके भीतर ही है और आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हमारे सभी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल थॉट की तरह है कि हम जो भी अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है तो वो कोई भी चीज असाध्य नहीं है, दुर्गम नहीं है, दुर्लभ नहीं है। हम हर चीज कर सकते हैं क्योंकि वो सभी शक्तियां हमारे भीतर ही विद्यमान है। और वो है कौन सी शक्तियां, वो है आत्मबल की शक्ति। और जो आत्मबल की शक्ति होती है वो परमात्मा का बल होता है। तो वो शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, हम जिन भी ऊंचाइयों को, जो भी उपलब्धियां हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, हम उन उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास ही, आत्मबल ही प्रगति योग कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मविश्वास जो होता है हमारा वो प्रगति योग है। आपने अब तक बहुत से योग सुने होंगे, भक्ति योग, कर्म योग एवं ज्ञान योग। लेकिन जो आत्मविश्वास है हमारे भीतर, जो हमें अपने ऊपर विश्वास करना है, वो हमें प्रगति दिलवा सकता है। क्या दिलवा सकता है? हमें प्रगति दिलवा सकता है। तो हमें अपने ऊपर विश्वास करना है क्योंकि वो सभी शक्तियां हमारे अंदर ही विद्यमान है। और हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहें, हम सभी चीज या सब कुछ हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है जो कि हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे जहां हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। कब से कब तक ये युवा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत किसी राज्य को चुना जाता है कि यहाँ पे ये महोत्सव मनाना है और 12 से लेकर के 16 जनवरी तक ये महोत्सव प्रतिवर्ष चलता है। कब से प्रारंभ हुआ है ये देश में मनाना, तो 1995 से इसे प्रारंभ किया गया है, जो कि खेल मंत्रालय इस महोत्सव को प्रतिवर्ष आयोजित करता है। ठीक है, आखिरकार क्यों ये आयोजित किया क्यों गया, तो इसका उद्देश्य रखा गया था कि देश के युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत 25 युवाओं व एक युवा संगठन को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। 25 युवाओं को और एक युवा संगठन को समाज सेवा में, किसमें? समाज सेवा में, सोशल वर्क में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो इस साल 2023 में कब से कब तक, तो डेट तो फिक्स रहेगी 12 से 16, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष एक राज्य में मनाया जाता है, तो इस साल किस राज्य में मनाया जाएगा, तो कर्नाटक में मनाया जा रहा है। कर्नाटक में हुबली और धारवाड़, ये दो शहर है ना, तो
तो हुबली धारवाड़ जो कि जुड़वा शहरों जुड़वा शहर है, ठीक है, तो हुबली धारवाड़ में ये मनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो भिलाई दुर्ग जुड़वा शहर की कैटेगरी में आते, बस वैसे ही हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों में ये मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे आज शाम 4 बजे और इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महोत्सव का लोगो और शुभंकर मास्कट भी जारी किया है। क्या है ये लोगो, क्या है ये शुभंकर, उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि 12 से 16 तारीख तक ये मनाया जाएगा, तो 5 दिवसीय कार्यक्रम है और 1995 में प्रारंभ हुआ है, तो ये इस वर्ष कौन सा संस्करण है, तो ये 26वां संस्करण है। क्या है ये, 26वां यूथ फेस्टिवल है ये, ठीक। इसकी थीम क्या है, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये करंट अफेयर का पार्ट है क्योंकि, है ना, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। क्या है थीम, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। याद रखिएगा कि ये इस साल की राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है, विकसित युवा विकसित भारत। लोगो और शुभंकर के बारे में जान लेते हैं, तो लोगो है हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, कमल हमारा लोगो है, ठीक है, जिसको बनाया किसने है, तो बंसीलाल केतकी द्वारा इस लोगो को डिजाइन किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लोगो जो जारी किया है तो किसी ने तो बनाया ही होगा ना, तो ये लोगो किसने बनाया, बंसीलाल केतकी, उड़ीसा के बंसीलाल केतकी द्वारा डिजाइन किया गया है। और ऐसे ही चुन लिया गया क्या, नहीं, एक प्रतियोगिता हुई थी और उस प्रतियोगिता के माध्यम से ये लोगों का चयन किया गया है, ठीक है। शुभंकर क्या है, मैस्कट क्या है, तो चंपी चिक्का हाथी इसका मैस्कट है और इसको डिजाइन किसने किया है, तो बेंगलुरु के इनबाम द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और विजेताओं को 50,000 का नगद पुरस्कार दिया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से इसे चुना गया था, तो 50,000 नगद पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे ये पर्टिकुलर ये टॉपिक से, तो पहली बात तो कब से कब तक मनाया जाता है, तो 12 से 16, ये कौन सा संस्करण है, तो 26वां संस्करण है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ की इसकी इस साल की थीम क्या है, तो विकसित युवा विकसित भारत थीम है। लोगो क्या है, तो लोटस है, बनाया किसने, उड़ीसा के बंसीलाल केतकी ने बनाया। शुभंकर क्या है, तो चंपी चिक्का हाथी है और बनाया किसने, तो बेंगलुरु के इनबाम ने बनाया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से डेफिनेटली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कब प्रारंभ किया गया, तो 1995 में खेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और यदि हम देखें कि किस उपलक्ष में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की वर्षगांठ के उपलक्ष में इसे मनाया जाता है। एक राज्य को चिन्हित किया जाता है और इस साल जिस राज्य को चिन्हित किया गया है कर्नाटक की हुबली और धारवाड़ में ये मनाया जाएगा। इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और ये आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली मदद करेगा। और इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। आशा है कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।